जुरअत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुरअत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। हजरत गिरामी, आइए मैं चंद मिनटों के लिए आप सबके ख्वाहिशों पर जनाबे असद आजमी से मैं गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और नज़म पेश करें। कम से कम चंद मिनट जो मेरे हिस्से में आए, मैं सिर्फ चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद आपसे रुखसत होता हूं। पेश करता हूं चार मिसरे बतौर खास, उसके बाद कौमी यकजहती के हवाले से सिर्फ तीन चार मिनट में इंशाल्लाह अपनी बात पूरी करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पेश करता हूं चार मिसरे, पहले बतौर खास पढ़ता हूं, समाज फरमाए। जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर इंसान को पैगाम देता है, भलाई का हर इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को, फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है, सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद कौमी यकजहती की नज़्म चार मिसरे बतौर खास पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। सुनो ऐ ज़ालिमों, सुन लो कभी ऐसा नहीं होगा। आखिरी का मिसरा आपको समझ में आए तो आप बताइएगा कि आप जिंदा दिल हैं। पेश करता हूँ समाज फरमाए। सुनो ऐ ज़ालिमों, सुन लो कभी ऐसा नहीं होगा, कभी इस्लाम का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी इस्लाम का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम्हें कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। सुनो ऐ ज़ालिमों, सुन लो कभी ऐसा नहीं होगा। यकजहती का सिर्फ दो बंद, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। हजरत मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब हमारे बड़े मोहतरमुल मकाम तशरीफ फरमा है। सिर्फ दो बंद मैं कौमी यकजहती के पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे रुखसत होता हूँ। एक मरतबा सारे लोग हाथ उठाकर इजाजत दे दें तो मैं आप तक मतलब पहुँचाऊँ। जी बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ मतलब समाज फरमाए। के एक शोर है, एक शोर है उलमा की कयादत का चार सू, एक शोर है संतों की हिमायत का चार सू, चर्चा है आज इनकी सियासत का चार सू, चर्चा है आज इनकी सियासत का चार सू। निकले हैं कफन बांध के
लिए सारे सिपाही पूरी जमीयत उलमा हिंद की टीम को अपने जहन में रखें। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। और ये भी बहुत खूबसूरत सा बंद जो निचोड़ है आज के इस प्रोग्राम का आप तक पहुंचाता हूं समाज पर मैं कि इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। दोस्तों मेरे हिस्से का जो वक्त था वो मुकम्मल हुआ आखिरी बंद आप तक पहुंचाता हूं उसके बाद आपसे रुखसत। बहुत खूबसूरत सा ये बंद हिंदुस्तान की तारीख में आप अगर आंख झा उठा कर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। लाल किले की बुनियाद में आप देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। ताजमहल की बुनियाद में आप देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। कहते हैं मुसलमान पाकिस्तान चले जाए ये बंद आपकी बात अगर सच्ची लगे तब एक शख्स मेरी हौसला अफजाई फरमाएगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे समाज फरमाए कि ये ताजमहल और कुतुब के मनारे ये ताजमहल और कुतुब के मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं ये बातें अलग हैं अभी चुपचाप खड़े हैं ये बातें अलग हैं अभी चुपचाप खड़े हैं हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे मिलजुल के नए दौर का आवाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।